बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों? ठीक हैं, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, खुशियाँ बांटते रहें। जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैंने कीमे की कोई रेसिपी बनानी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं जब बनाऊँगी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपसे रेसिपी बनाने के टाइम हम मिलते हैं। ये मैं अदरक लहसुन डालने लगी, आस पे ज़रूरत, और ये हमारा प्याज। ये हमारी हरी मिर्चें, ये मेरे मसाले अच्छी तरीके से चौक हो गए। ये हमारा कीमा, हमारा कीमा अच्छे तरीके से चौक हो गया। कीमा हमारा जितना अच्छा मिक्स होगा इतने अच्छे को आप बनेंगे। बाकी कीमे को भी चौक कर लेते हैं। ये सारे मसाले मैंने शामिल करने हैं। ये हमारी मोटी इलायची, काली मिर्चें और ज़ीरा, और ये हमारी मिर्चें, दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक। ये भी अब ब्लेंडर करके फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे कबाबों का मसाला माशाल्लाह से बहुत प्यारा तैयार हुआ है। ये हरा धनिया डाल देते हैं। मसाले घर में जो मौजूद थे मैंने डाल दिए। इसमें अभी गरम मसाला नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं ऐसी थी, उसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, देखे बिल्कुल पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल आंटी? ठीक है। चना नमक भी थोड़ा सा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट अच्छा से करना। ये अभी तक ना इसके पाँव में बहुत ज़्यादा अभी सूजन हुई है, या अभी इसकी जो ना सूजन उतरी नहीं है, तो वह मुश्किल चल पाता है। आज स्कूल भी नहीं गए बच्चे, बस इसी वजह से। ये तो छोटियां कहती हैं, बहनें इसकी कहती हैं कि भाई नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। कल इंशाल्लाह उन दोनों को स्कूल लेके जाऊंगा। अब दरमान एक दो दिन छुट्टी करेगा तो उन दोनों को स्कूल लेके जाऊंगा। तो बड़ी मुश्किल से ये वाशरूम जाता है चल के। कभी कभार मैं घर में हूँ तो उठा के ले जाता हूँ, नहीं तो दिन को बेचारा चल के खुद ही जाता है। हमारी तो आ गई है, ये देखें। ये किसको मारना है? मुझे नहीं मारना। ओ, आप ही को मार दिया पीछे। चलो उधर शायद पे रख के आओ। ये मैं गोला कबाब बना रही हूँ। कुछ गोला कबाब बनाएंगे, कुछ दूसरे कबाब। गोला कबाब, कुछ रोला कबाब। रोला इस पे पड़ रहा है, वो कह रहे गोल वाले बनाओ। वही ना, वो निशा कह रही है नहीं मैंने ये नहीं खाने, वो खाने, इसीलिए उसको कह दिया कि रोला कबाब। बच्चे भी कह रहे हैं कि दूसरे खाने हैं, गोला कबाब भी तो रोला कबाब भी। ना पेंसिलें ना कॉपियाँ, बस सब कुछ ख़त्म हो गया ना। इस पेंसिल के साथ आप जो बना रही हो, सीखों पे जो बनते हैं, सीखों के गोल मुझे नहीं सीखे मिली, मैंने ढूंढी है मुझे सीखे नहीं मिली, तो पेंसिल मंगवा ली मैंने। आप मुझे बताती ना, मैं सीखी आपको उतार देता, आपने मुझे बताया ही नहीं। टिक्का पार्टी करेंगे ना किसी दिन, बारबेक्यू, यही दिन है गोश्त खाने के प्यारे व्यूअर्स, जो हमारे मल्ले वाले ने सब ने बहुत दिया है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। मेरी दोस्त ने ईद के दूसरे तीसरे दिन जो भेजा हो इतना सारा था, ये किसकी पुप्पो? जन्नत की पुप्पो ने भेजा था। जिन्होंने जिन्होंने गोश्त दिया अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा दे। ये निशा के लिए रोला को आप तैयार हो रहे हैं। ये जितने मर्जी पतले करूँगी ना ये होंगे उसी तरह गुदले गुदले से। ये जो सालन में से घी निकलता रहा चर्बी वाला, ये मैं निकाल कर रखती रही हूँ। बिस्मिल्लाह, इसमें हम कबाब तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने कबाब डालने लगी हूँ। हल्की आंच में बिल्कुल बना रही हूँ, क्योंकि जले ना ना
हल्दी आम दो, इनका साइड से कबाब रख दूँ। माशाल्लाह से बड़े प्यारे तैयार हो गए। कौन सा पहले बहुत बना रहे हैं, आ रही से बनाते हैं, हमारे कबाब बन गया। दिन को मैं उतारती हूँ, बड़े बड़े डाले कबाब, छोटे हो गए, चिलिंग हो गए, जिस तरह कपड़े नहीं चिलिंग होते इस तरह हो गए। बच्चे गोश्त खाते नहीं हैं और ख्वाब के इंतज़ार में ये देखें। तो कीमा तो खाते ना, ख्वाब के इंतज़ार में कैसे बैठे हुए हैं। कीमा तो खाते ना, कीमा वाले ख्वाब और आयत भी और वानिया भी, ये दोनों तो गोश्त खाते ही नहीं है। माशाल्लाह वानिया थोड़ा बहुत खा लेती है। कीमा तो खाते हैं ना। नहीं, कीमा भी तो गोश्त का बनता है ना, क्यों लिशा? नहीं, मैं कीमा भी नहीं खाती। तो ये ख्वाब खा लेती हो? मैं तो कीमा और चटनी, तो ख्वाब कीमे के ही बना ना। वो तो ग्लैंडर वाले, वो तो ग्लैंडर, ये पिक तो गोश्त है, तो गोश्त ही है ना। मगर गोश्त तो नहीं पसंद। अलीशा ना कबाब खाए, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इसको कत्ल कर दूंगी ना खाया तो। हमारे कबाब और रोटी साथ में दही की चटनी और ये चाट मसाला। हमारे कबाब माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट बने, बिल्कुल कच्चे नहीं है, बहुत मज़े के बने हैं। बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कबाब खाना तैयार हो गया, जिस बहन भाई ने खाना आके खा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। हमारी वीडियो को स्किप ना किया करें और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखरत की तमाम खुशियाँ नसीब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चलो आयत, पाकिस्तान जिंदाबाद करो।